नमस्कार दोस्तों, HCF एंड LCM के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरियस एग्जाम में इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इन सवालों को कुछ ट्रिक्स की सहायता से बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले भाग में हम HCF के बारे में डिस्कशन करेंगे और दूसरे भाग में LCM के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का यह थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखिए। और दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर व्हेन इट डिवाइड्स अदर एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। एग्जाम्पल की सहायता से इसे जानते हैं कि देखिए, 42 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 7। देखिए, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, या फिर यूं बोले कि कोई रिमाइंडर नहीं है। और उसी तरह 42 डिवाइड बाई 3 करने से 14 आता है, तो 3 एंड 6 क्या हुआ? 42 का फैक्टर हुआ। अब हम जानेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर वो नंबर हो जाएगा जो कि दो या दो से अधिक नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जैसे कि 9, 18, 21 एंड 33 को एग्जैक्टली डिवाइड क्या करेगा? 3। देखिए, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। 18 को करेंगे तो कितना आएगा? 6। उसी तरह 21 और 33 को भी डिवाइड कर देगा, तो इसीलिए 3 क्या हुआ? एक कॉमन फैक्टर हुआ। अब इन्हीं दो टर्म्स की मदद से हम जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF वो है जो कि दो या दो से अधिक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, लेकिन ये नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अब एग्जांपल की सहायता से इसको जानते हैं, तो देखिए 18 एंड 24, 18 एंड 24 को 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लेकिन 6 इज द हाईएस्ट नंबर या फिर ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करता है, तो इसीलिए 6 क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कई बार हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिविजर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कहते हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के कई मेथड होते हैं। मैं आपको मेजरली तीन मेथड के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन मेथड्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप सभी तरह के सवाल बना लेंगे। पहला मेथड है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका, फिर लास्ट में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो HCF आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की सहायता से मैं अगर आपको बताऊं तो 42 और 70 का अगर हमें HCF निकालना है तो पहले 42 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 42 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 42 को ऐसे एक टेबल की सहायता से लिखेंगे पहले बीचों बीच 42। अब देखिए, सबसे मिनिमम मतलब कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो इसे 2 से हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये डिवाइड होता है क्या एग्जैक्टली? जी हाँ, 2 से इसे डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 21। अब देखिए, फिर 2 से अगर 21 डिवाइड फिर से होता है क्या? जी नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 3। तो 3 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है क्या? तो हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 7। और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो इसी तरह हम और आगे बढ़ते रहते। उसी तरह अगर हम 70 का देखेंगे तो 70 को इस तरह से लिखेंगे। अब 70 को मिनिमम प्राइम नंबर यानी कि लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है उसे डिवाइड करेंगे, तो लोएस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 35। 35 अब 2 से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं, तो ये तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं, तो नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है? 4। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 5। 5 इज द प्राइम नंबर, तो 5 से डिवाइड होता है क्या? तो हाँ, 5 से डिवाइड करने से कितना जाएगा? 7। 7 खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ रुक जाएंगे। तो इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर मिल गया। 42 का क्या क्या मिल गया? 2 इंटू 3 इंटू 7। और 70 का क्या मिल गया? 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसी तरह अब इनमें हम कॉमन देखेंगे। इन कॉमन कौन कौन सा है? देखिए, कॉमन आप अगर देखेंगे इसमें तो 2 है, देखिए 2 दोनों में है, तो इसीलिए 2 को सर्कल कर देंगे।
और उसके बाद थ्री है क्या इसमें? नहीं है। फाइव इसमें भी नहीं है, तो उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है? सेवन। तो टू एंड सेवन का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू 2 × 7 = 14। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, 1365, 1560 और 1755। तो इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1365 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ऐसे लिख लेंगे। अभी देखिए ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो कौन किससे डिवाइड होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से। तो 3 से क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा? हाँ, क्यों होगा? अगर इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करेंगे और वो जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा। इसे मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टॉपिक के वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे आप यहाँ आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये 3 से इसको डिवाइड करने के लिए देखिए 1 + 3 कितना हो गया? 4। 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 455 आ जाएगा। अब 455 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 5। 5 से ये डिवाइड होगा क्या? हाँ, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 होने से वो 5 से डिवाइड होता है। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 91। 91 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो किससे डिवाइड होगा 91? नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड करने से कितना जाएगा? 13। तो 13 एक खुद प्राइम नंबर है, इसी तरह इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो 1365 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया? 3 × 5 × 7 × 13। उसी तरह आप 1560 एंड 1755 को खुद से करके देखिए, जिससे ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखिए इन दोस्तों, इन वैल्यूज में हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन नंबर हैं, कॉमन तीनों में है। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें हाँ है, इसमें भी है, इसीलिए 3 को हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 को सर्कल कर देंगे। 7 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 13 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तीनों में 13 है, तो 13 को सर्कल कर देंगे। अब इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू 3 × 5 × 13 = 130, 195, है ना। तो इस तरह से हम पहला मेथड को समझ गए। अब पहले मेथड में शॉर्टकट है, पहले मेथड का शॉर्टकट क्या है? जैसे एग्जांपल 1 में हम 42 का अगर पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 × 3 × 7। अब हम देखेंगे कि इन प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर 70 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 और 7, 3 डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए हम 2 और 7 को का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जो कि देखिए 2 और 7 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 2 और 7 का अलग से प्रोडक्ट निकाल लिया, क्या गया? 2 × 7 = 14। तो 14 क्या हो गया हमारा? HCF हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, 1365 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसी एक नंबर का तो प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, और आप हमेशा किसको प्रीफर कीजिएगा? जो लोएस्ट नंबर है। तो यहाँ कौन सा लोएस्ट नंबर है इन तीनों में? 1365। इसीलिए 1365 का हम प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या जाएगा? 3 × 5 × 7 × 13। अब क्या देखेंगे कि 3 इन दोनों से जो बचा हुआ है, दोनों है, दोनों से डिवाइड होता है क्या? अगर हाँ तो उसको अलग करेंगे, उसी तरह सबको अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि 3, 5 और 13 ऐसे नंबर हैं जो कि 1560 और 1755 दोनों को ही डिवाइड करता है, इसीलिए इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 13 = 195, और यही क्या हो जाएगा? HCF। बड़ा ही आसान था ना, ये आपका कुछ समय बचाएगा। अब इसको मैंने यहाँ लिख कर आपको समझा दिया है, जिसे आप नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में अपने फेसबुक अकाउंट पर और टेलीग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में दोस्तों कुछ चीजें हमें याद रखने वाली बातें हैं। उसे याद कौन सी बातें हैं? जैसे कि ये दो एग्जाम्पल थे, इनमें हम क्या करेंगे कि जो भी दो नंबर है, जो भी दो या तीन नंबर जो भी नंबर है, उनको HCF से डिवाइड करेंगे। तो जो जो नंबर आएगा वो एक दूसरे का क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्राइम होना चाहिए, या फिर इसे को प्राइम बोलते हैं। उन्हें कौन सा नंबर बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप यहाँ आई बटन आएगा वहां क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए 42 को हम HCF से डिवाइड करेंगे, HCF है 14, तो क्या आया? 3। उसी तरह 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। अब देखिए 3 और 5 एक दूसरे का प्राइम है, इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे? 5 को 3 से डिवाइड करेंगे या 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा,
इसीलिए ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का प्राइम हुआ। तो इसको हम चेक करके हम देख सकते हैं हमेशा, जब एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए मान लीजिए और हमें डाउट हो रहा है, तो इसको चेक करने का ये तरीका हुआ कि हमने सही आंसर निकाला है कि नहीं। अब देखिए इसको सेकेंड एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ मैं। इसमें देखिए तीन नंबर क्या क्या है, 1365, 1560 और 1755। इन तीनों को HCF से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो देखिए इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 1365 को तो क्या आएगा 7, उसी तरह 1560 को 8 और इससे 9। अब देखिए ये तीनों आपस में प्राइम है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तीनों को एक दूसरे से देखना है। 8 को 7 डिवाइड कर सकता है या नहीं, 9 को 7 डिवाइड कर सकता है कि नहीं, तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तीनों एक दूसरे का प्राइम है, ये चेक करने का एक तरीका हुआ। अब हम मेथड 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मेथड 2 में हम क्या करेंगे, जैसे 42 और 70 का अगर हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या हुआ 70, 70 को हम क्या करेंगे 42 से डिवाइड करेंगे। 42 वन जा 42, यहाँ रिमाइंडर क्या जाएगा 28। अब इस डिविजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, 28 वन जा होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे, जो पहले रिमाइंडर को सेकेंड रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल है 14 टू जा 28। ऐसे कब तक करेंगे हम दोस्तों, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यही रुक जाएंगे। तो देखो दोस्तों अब इसमें HCF कौन सा होगा, जो लास्ट में जो डिविजर आएगा वो हमारा HCF होगा। लास्ट में क्या आया 14, तो 14 इज आवर HCF। इसको मैंने वर्ड के फॉर्म में या फिर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, मतलब हमने ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया। देन डिवाइड द डिविजर बाय द रिमाइंडर, मतलब कि डिविजर क्या है 42, तो उसको रिमाइंडर 28 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक रिमाइंडर आएगा। फिर क्या बोल रहा है, डिवाइड द रिमाइंडर बाय नेक्स्ट रिमाइंडर, मतलब ये रिमाइंडर को नेक्स्ट रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो ये जब कब तक करेंगे, जब तक कि कोई रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसीलिए द लास्ट डिविजर कौन सा हुआ हमारा 14 इज द HCF। बड़ा ही आसान था ना, ये बड़े बड़े नंबर्स को भी सॉल्व करने के लिए बड़ा ही इसमें आसान होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी सेम मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा। अब इसमें हम कोई भी दो नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, आइदर 1365 1560 और 1560 1755, किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम 1365 और 1560 को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर हमारा क्या हुआ यहाँ 1560, इसको 1365 से डिवाइड करेंगे, 1365 वन जा 1365 से रिमाइंडर आ जाएगा 195। अब डिविजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, 195 से 7 इंटू करना पड़ेगा यहाँ, तो एग्जैक्टली 1365 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा इन दो नंबर का 195, जो लास्ट डिविजर होता है वही HCF हो जाता है। इसीलिए 1365 और 1560 का रिमाइंडर हो गया 195। अब हमने इस HCF और नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करके हम HCF निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 195 और नेक्स्ट नंबर हमारा जो बचा हुआ नंबर कौन सा है 1755। तो 1755 और 195 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 1755 को डिवाइड करेंगे 195 से, 1755 डिवाइडेड बाय 195, यहाँ 9 से इंटू करेंगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 71755 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये दोस्तों तो अब यहाँ पर क्या हो गया, HCF कौन सा आएगा, जो लास्ट डिविजर, तो यहाँ एक ही डिविजर है इसी, तो इसीलिए हमारा HCF हो गया 195। इसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले दो नंबर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1365 और 1960 को हमने सेलेक्ट किया, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, उसके बाद जो डिविजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे जब तक कि 0 रिमाइंडर ना आ जाए। तो जो लास्ट डिविजर होगा वो इन दोनों का HCF होगा। तो ये 195 किसका HCF हुआ, 1365 और 1560 का। अभी इस जो HCF आएगा उसका, और मतलब HCF 1 मतलब कि इन दो नंबर से जो HCF आया उसका, और जो बचा हुआ नंबर है, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, और सिमिलरली अगर यहाँ 0 नहीं आता तो इसको आगे हम बढ़ते जाते जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली 0 आ गया, इसीलिए हमारा HCF क्या हो गया 195।
बड़ा ही आसान था। अगर इसमें बड़े नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं तो ये मेथड बहुत ही कारगर होता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड मेथड थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर इसको समझ जाने से ये बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाला है। यहाँ पर इसके 3 स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन इसको मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा वापस इन स्टेप्स को, तो ज्यादा आपको आसानी होगी। देखिए, अगर कभी भी हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि HCF ऑफ 42237 एंड 75582, इसका हमें HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे जितने भी टर्म में तोड़ सकते हैं उस टर्म में तोड़ेंगे। उस टर्म में तोड़ेंगे मतलब कि इसके फैक्टर्स को अलग करेंगे, जितना मिनिमम नंबर ला सकते हैं उतना मिनिमम नंबर लाने की कोशिश करेंगे, पूरा अंत तक सॉल्व नहीं करेंगे लाइक हमारे पहले मेथड की तरह। जैसे कि हम 42237 को अगर करेंगे तो 9 × 4693 हो जाएगा, और उसी तरह दूसरे नंबर को करेंगे तो 2 × 9 × 4199 आ जाएगा। इसमें देखिए 9 क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर है दोनों में, तो हम 9 को साइड में रख देंगे। ठीक है, 9 को देखिए साइड में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट नंबर 1 जो कहता है वो क्या कहता है कि जो कॉमन टू बोथ द नंबर है उसको रिमूव करके साइड में रख देंगे, और बाद में जो हमारा एचसीएफ आएगा ना, ये दो नंबर का एचसीएफ जो आएगा उसके साथ इंटू करेंगे। इसीलिए अभी अभी हम लोग फिलहाल के लिए इस 9 को साइड में रख देंगे। ठीक है, और देखिए इनके अगर फैक्टर्स में कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जो दूसरे के फैक्टर में नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब आप ये ऐसा गलती मत कीजिएगा, मान लीजिए इसका भी कोई फैक्टर, इसके फैक्टर अगर 2 होगा तो वो तो 2 आएगा ना, तो उस 2 को कंसीडर करना है, लेकिन देखिए ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, और देखिए ये भी ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ऑड ऑड नंबर आ गया, एक 2 अलग हो गया, इसीलिए 2 अलग हो गया, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर आ गया जो कि दूसरे नंबर में कंटेन नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारा स्टेप 2 बोलता है। अब स्टेप 3 के हिसाब से हम जो बचे हुए 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो बचे हुए 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से एज पर आवर मेथड 2 डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4693, इससे रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 494 में गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ ये जो 494 है ना, ये क्या होता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर है, लेकिन हमारा 4199 क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो एक ऐसा प्राइम फैक्टर ये कंटेन करता है जो कि दूसरे डिविजर में या फिर दूसरे नंबर में कंटेन नहीं करता है। तो ये हमारा स्टेप 3 के हिसाब से कि किसी भी स्टेप में अगर ऐसा कोई प्राइम नंबर आता है, कोई ऐसा प्राइम फैक्टर आता है जो कि दूसरे नंबर में कंटेन नहीं करता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ 2494 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 494 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 247। अब इसको हम 247 कर कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए अब क्या करेंगे, 2494 को 247 लिखेंगे और 4199 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 247 बन जा 247, रिमाइंडर आया 172, ये ऊपर से 9 आ गया, वो 247 से हम कितना इंटू करेंगे तो 1729 आएगा, 7, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। तो इसी के साथ रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट डिविजर हमारा क्या हो गया, 247। तो हमारा इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, 247। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा 247 का और किसका एचसीएफ हुआ, 247 हमारा एचसीएफ हुआ 4199 एंड 4693 का। ठीक है, तो अब हमने याद कीजिए, हमने पहले कौन सा नंबर को साइड किया था, साइड में रखा था 9 को। अब 9 को जो आया हुआ बचा हुआ एचसीएफ उससे इंटू करना है एज पर आवर पॉइंट नंबर 1 या स्टेप 1, तो 9 से इंटू करेंगे 247 को, तो कितना जाएगा, 2223। तो 2223 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ ऑफ 42237 एंड 75582। देखिए दोस्तों, ये हो सकता है मेथड आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको एक बार आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बड़े से बड़े एचसीएफ के सवाल बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बी यूनिटी, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर यूनिटी होगा तो उसके वो क्या होगा, द नंबर मस्ट बी प्राइम टू इच अदर, और इसी को तो हम को प्राइम बोलते हैं, जिसे टाइप्स ऑफ नंबर में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसको मैं आपको याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको एचसीएफ के सवाल को
सॉल्व करने के टाइम ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद देने वाली है ये पॉइंट, इसलिए इसे आप मन में बैठा लीजिए। अब इन तीनों मेथड को डिस्कस करने के बाद मैं दोस्तों आपको कुछ मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप HCF के लगभग सारे सवाल बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन मैजिकल ट्रिक्स के फर्स्ट कैटेगरी में मैं आपको स्मॉलर नंबर्स के HCF निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे 8, 20, 28 एंड 44 सारे छोटे नंबर हैं। इन सारे छोटे नंबर का अगर HCF निकालना होगा तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप वन हमें कहता है कि हम जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या है, 8, तो 8 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे छोटा नंबर 8 को ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि बाकी नंबर से 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगर होता है तो हमारा 8 HCF हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आप 20 को अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, 8 हमारा HCF नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करेंगे। सेकंड हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा हमारा, 8 डिवाइड बाई 2। देखिए अगर 8 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ रहा है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता 2 से तो किससे करते, 3 से, 3 से नहीं होता तो 4 से, 4 से नहीं होता तो 5 से, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे नीचे, है ना। तो पहले 8 से हम 2 को डिवाइड किए तो क्या आ गया, 4। अब हम क्या देखेंगे कि 4 तीनों से डिवाइड होता है क्या, देखिए 20 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, ये भी हो गया। उसी तरह 44 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो तीनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है किससे, 4 से, इसीलिए हमारा HCF क्या हो गया, 4। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही आसान था। इसको अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 21, 15 एंड 36। अब देखिए तीनों स्मॉलर नंबर है, सेम कैटेगरी में आया, तो इसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को कंसिडर करेंगे जो कि 15 है। अब क्या चेक करेंगे, बाकी दो नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। तो 15 से अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो 15 ही हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 21 को 15 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, नहीं होगा, कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना। और 36 को भी करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 15 के टेबल में दोनों ही नहीं आता, 21 और 36, इसीलिए क्या हो जाएगा, 15 हमारा HCF नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था, क्या बताया था कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो 3 से करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 3 से डिवाइड किया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5। अगर 3 से नहीं होता तो 4 से करते, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। अब 5, अब देखिए 21 एंड 36 क्या 5 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, हाँ नहीं होता है, क्योंकि 5 से अगर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 4 जा 20 होता है। उसी तरह 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, इसीलिए हम 5 भी हमारा HCF नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसिडर करने के लिए हम फिर से 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं कर सकते थे तो 3 से किए थे, अब 3 से तो कर लिए तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो इसीलिए उसका नेक्स्ट क्या है, 5। तो 5 से डिवाइड किए तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों देखिए 21 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। उसी तरह 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 12, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो इसीलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। बड़ा ही आसान है, इसको आप आराम से समझिए। मैं एक बार और आपको एग्जाम्पल 3 की सहायता से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें थोड़े बड़े नंबर है लेकिन फिर भी ये स्मॉलर कैटेगरी में ही आएगा, 72, 126, 198। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, याद कीजिए पिछले एग्जाम्पल में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें, 72। तो 7, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि बाकी का जो दो नंबर है, बाकी का नंबर कौन कौन सा है, 126 एंड 198। अब ये दोनों को अगर 72 से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, देखिए अगर मैं 126 को 72 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 72 टू जा कितना होता है, 144 हो जाएगा, 72 से 2 को इंटू कर दूंगा तो इसीलिए ये डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 72 को रिजेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट हायर फैक्टर को कंसिडर करेंगे। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट हायर फैक्टर को कंसिडर करने के लिए क्या करते हैं,
सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर हमारा कौन सा है, वन से तो करेंगे नहीं, टू से करेंगे, तो टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब क्या करेंगे हम, 126 को 36 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 126 को अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, एग्जैक्टली आएगा क्या, मतलब डिविजिबल होगा क्या, 3 point something आएगा, इसीलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे 36 को, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर को कंसीडर करेंगे, तो नेक्स्ट हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 3। तो 72 डिवाइड बाई 3 किया तो देखिए 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, कितना गया 24। अब फिर से सेम चीज, 126 को 24 से डिवाइड करूंगा तो क्या डिवाइड होगा, देखिए 126 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो 5 point something आएगा, इसीलिए वो भी एक एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक हाईएस्ट फैक्टर को कंसिडर करेंगे, तो 72 अब किस से डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 के बाद 4, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 18। अब देखिए 18 के टेबल में 126 भी आता है, 198 भी आता है, इसको करने के लिए आप ऐसे सिंपली डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, 126 डिवाइड बाई 18, 18 7 126 हो जाएगा, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 126। उसी तरह 198 को डिवाइड करके देखेंगे, 18 1 18, फर्स्ट रिमाइंडर आ गया 1, ऊपर से आ जाएगा 8, अगेन 18 1 18, देखिए 198 भी 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसीलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ क्या हो गया, जी हाँ आपने सही कहा 18। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, 24 60 84 and 108। प्लीज इस वीडियो को आप वॉच करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपसे खुद से बन रहा है कि नहीं। आई होप दोस्तों आपने सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे सब छोटा इसमें नंबर कौन सा है, 24। अब देखेंगे 24 बाकी सबको एग्जैक्टली डिवाइड करता है क्या, नहीं, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 24 बाई 2, तो क्या होता है 12। देखिए 108 भी 12 के टेबल में आता है, 84 भी आता है, 60 भी आता है। दोस्तों अगर आपको टेबल अभी तक याद नहीं हुआ है तो प्लीज आप एटलीस्ट 16 तक का टेबल याद रख लीजिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मैजिकल ट्रिक्स का पहला कैटेगरी कंप्लीट होता है। सेकंड कैटेगरी में हम एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स देखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 16.5.45 and 15, इसमें कुछ डेसिमल है, डेसिमल वैल्यूज हैं। अब इनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी डेसिमल प्लेसेस को लगभग इक्वल करेंगे, ठीक है, और इक्वल करने के बाद हम ऐसा इन सब का एचसीएफ निकालेंगे कि लाइक वहां पर कोई डेसिमल वैल्यू है ही नहीं, मतलब पॉइंट को रिमूव करके जस्ट उनका सबका एचसीएफ निकालेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे कि वहां पर पॉइंट लगा देंगे जितने पॉइंट के पहले हमने पॉइंट को हटाया था। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बड़ी आसानी से समझा दूंगा। देखिए जैसे 16.5 है, 16.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.50, है ना। अब उसी तरह अभी आप इसको कंसीडर मत कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरह देखिए 0.45 को क्या लिख सकते हैं, 0.45 ही, और 15 को 15.00। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा, यहाँ दो जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगाया है, तो सिमिलर है ताकि ये सभी एक फॉर्म में दिखे, पॉइंट के बाद सभी नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि ये पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को हटा दीजिए, क्योंकि देखिए ये याद रखेगा यहाँ कि पॉइंट पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, दो, तो दो डिजिट था, इसको हम याद रख लेंगे और ये मानेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1650, 45 और 1500, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ निकालेंगे 1650, 45 और 1500, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या जाएगा 15। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 15 में याद क्या रखना था हमें कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट था, अब दो डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो 15 के दो डिजिट मतलब 5 और 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.15। बड़ा ही आसान था, इसको एग्जांपल 2 की सहायता से मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए जैसे 1.7, 0.51 और 0.153 था, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कौन से नंबर में है, इसमें है, कितना डिजिट है 3, तो हम क्या करेंगे 1.7, 0.51 और 1.153 तीनों को इस फॉर्म में लिखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो, तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.700, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा
0.510 इसको लिखेंगे तो वैसा ही है 0.153। अब क्या करेंगे, पॉइंट को हम हटा देंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1 2 3, बस इसको याद रखिए कि 3 डिजिट था अभी के लिए। और फिलहाल आप क्या करेंगे, एससीएम निकालेंगे 1700, 510 और 153 का, जो कि मैंने आपको पहले 3 मेथड्स बताए हैं, उनमें से किसी भी मेथड को यूज करके आप इसका एससीएम निकालिए। एससीएम कितना जाएगा, 17। अब देखिए यहाँ 17 तो एससीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे कि याद जो रखे थे कि कितना डिजिट है, 3 डिजिट, अब 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, यहाँ लेकिन 2 ही डिजिट है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 1 2 और यहाँ 1 0 लगा के उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.017। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एससीएफ ऑफ वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, इन्हें हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। और क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एससीएफ ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन इज द हाइएस्ट फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फ्रैक्शन। मतलब कि एचसीएफ वो है, वो नंबर है जिसको अगर हम किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये हमारा एचसीएफ का मेन डेफिनेशन भी यही है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको एक लोएस्ट टर्म में निकालेंगे, लोएस्ट टर्म में सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ एक चीज आप याद रखिएगा, कभी भी एचसीएफ ऑफ ए नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन। हम लोग कभी भी इन फ्रैक्शंस का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एक फ्रैक्शन ही आएगा, लेकिन जो कि मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में एलसीएम बताने वाला हूँ, उसमें आप देखिएगा उसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि एचसीएफ के केस में ही ये ऐसा होता है कि जब भी हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक फ्रैक्शन के रूप में आएगा। ठीक है, अब इसको, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए 54/9 है, तो 54/9 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 6 54 होता है, तो इसलिए 6/1 किया, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, 6 से दो मतलब दोनों को 9 से डिवाइड किया, 9 से 9 मतलब 9 और 9 6 54। उसी तरह देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए 17 × 3 कितना हो गया, 51, 51 + 9 होता है। ठीक है, 17 × 3 + 9 = 60। ठीक है ना, तो 60/17, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर जो रहता है वो सेम रहता है। उसी तरह 36/51, देखिए दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 51 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 17 आएगा, और इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए जैसे कि हमारा रूल में बोला, क्या बोला था, फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन देखिए फॉर्मूला को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कभी भी एचसीएफ निकालना है तो याद रखिए ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएम, अपोजिट, ऊपर एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, नीचे में है तो डिनोमिनेटर, है ना। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ है तो यहाँ भी एचसीएफ, नीचे में एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ किसका हो जाएगा, न्यूमिनेटर, और एचसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों का 6/1, 60/17 एंड 12/17, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर में है, 6, 60 एंड 12, और एलसीएम ऑफ 1, 17 एंड 17, ये निकालेंगे। अभी मैंने आपको एलसीएम इस वीडियो में नहीं बताया, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अगर अभी आपको बेसिक पता होगा एलसीएम के बारे में तो आप सिंपली 1, 17 और 17 का एलसीएम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 17 होगा। उसी तरह एचसीएफ को आप किसी भी मेरे 3 मेथड बताए गए, 3 मेथड को ये सॉल्व करके, या फिर मैजिकल ट्रिक्स जो कि क्या होता है, जो कि कौन सा है कि एचसीएफ ऑफ स्मॉलर नंबर्स है, तो एचसीएफ ऑफ स्मॉलर नंबर वाले ट्रिक को अपना कर आप देख सकते हैं। देखिए 6 सबसे छोटा नंबर है, ये दोनों को एक्जेक्टली डिवाइड करता है, इसीलिए 6 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो सिंपल था ये, देखिए 6/17। अभी कभी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको ऐसे क्वेश्चन देखने से डर लग जाता है, लेकिन आप इसको इस ट्रिक को अगर अपनाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला याद करना बहुत कोई कठिन नहीं है, फॉर्मूला सिंपल है, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ एचसीएफ इसी ऊपर में एचसीएफ, यहाँ इसका उल्टा एलसीएम हो जाएगा, और एचसी ऊपर में इसीलिए न्यूमरेटर, नीचे में इसीलिए डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, 6, 60 और 12, उसी तरह डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, 1, 17 एंड 17। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, निकालेंगे तो 6/17 आ गया, यही हमारा आंसर है।
अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देखिए 6/17 को मैं अगर किसी भी नंबर से किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब चलिए दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट इज कंटेन इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन 3.5 मीटर एंड 8 एंड 3/14 मीटर। मतलब ये क्या बोल रहा है हम लोग, ऐसा लेंथ जो कि ये दोनों में समाया हुआ हो, जो दोनों से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो वही ग्रेटेस्ट लेंथ होगा। तो ये हमारे हमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये हमें इनडायरेक्टली ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो HCF हमें किसका किसका निकालना है, 3.5 और 8 3/4 को। तो 3.5 और 8 3/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था क्या करेंगे, 2 × 3 + 1 = 7। तो 7/2 नीचे वाले का नीचे ही रहता है जो डिनोमिनेटर में रहता है, उसी तरह यहाँ 4 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, और ऊपर में न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 × 8 + 3। तो 4 × 8 कितना हो गया, 32 + 3 = 35, है ना। तो 35/4 हो गया। तो अब हम किसका किसका एचसीएफ निकालेंगे, 7/2 एंड 35/4 का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF of किसका क्या हो जाएगा, इसका required length हमारा क्या हो जाएगा, HCF of 7 and 35 और LCM of 2 and 4। तो LCM of 2 and 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, LCM of 2 and 4 4 होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। और HCF इसका 7 और 35 का क्या होगा, 7 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या 35 से, तो हाँ, तो यही HCF हो गया ना हमारा, HCF of स्मॉलर नंबर वाले ट्रिक से। तो हाँ, तो 7/4 हो गया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर बच जाता है, इसीलिए 1 3/4 मीटर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट मैजिकल ट्रिक है हमारा अबाउट कॉन्क्रीट क्वांटिटीज। अब कॉन्क्रीट क्वांटिटीज क्या होता है, जैसे आप कभी भी सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं राशन की दुकान में या सब्जी मार्केट में, तो कई बार ऐसे देखे होंगे 1 kg 230 g 5 g या फिर 3 kg 430 g, तो है ना। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट क्वांटिटीज। अब कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी कंटेन्ड एग्जैक्टली इन 1 kg 235 g एंड 3 kg 4। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो दो क्वांटिटी दिया हुआ है इसको सेम यूनिट में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल के उसी फॉर्म में लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसी एग्जांपल की सहायता से आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए 1 kg 235 g है, इसको अगर मैं एक यूनिट में लिखूं किसी किसी भी एक यूनिट में, तो ग्राम के यूनिट में लिखूंगा तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम + 235 कितना हो गया, 1235 ग्राम। सिमिलरली 3 kg 430 g को लिखूंगा तो क्या जाएगा, 3000 + 430 = 3430 ग्राम। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, आप किसी भी मेथड के को यूज करके इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने से क्या जाएगा, 5, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 5 ग्राम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको आसानी से इस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने और दोस्तों में इसे शेयर करें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन ये लेक्चर समाप्त नहीं होता है, इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। इसके लिए स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ, थैंक यू।